तो अगर आपने NUES में 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में एडमिशन ले रखे हो और अगर आपके पास समय बहुत कम है, आपका एग्ज़ाम जो है अगले हफ्ते होने वाले हैं और आप चाहते हो कि किसी तरीके से जो मेरा अगले हफ्ते एग्ज़ाम होने वाला है उसे मैं किसी तरीके से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाऊँ, तो आपको अपना स्टडी कैसे करना है, आपको पढ़ाई क्या करनी है और एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स और जो मैं तरीका आपको बताता हूँ, अगर आप वो फॉलो कर लोगे तो डेफ़िनेटली आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। चाहे आपके एग्ज़ाम जो है अगले 4 दिन में होने वाले हैं, 5 दिन में होने वाले हैं या फिर आपके एग्ज़ाम अगले 1 हफ्ते में होने वाले हैं या 10 दिन में होने वाले हैं, आप डेफ़िनेटली पास हो जाओगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अपनी स्टडी करनी है, कैसे अपना एग्ज़ाम की तैयारी करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाकर आंसर शीट लिखनी है, ठीक है, सब चीज़ हम A to Z यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको स्टडी कैसे करना है। तो देखो, जो भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है अगले हफ्ते, जैसे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश का आपका अगले हफ्ते एग्ज़ाम होने वाला है, आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, आपको अब पढ़ाई कैसे करना है ये आप समझ लो। तो देखो, सबसे पहले ना इंग्लिश का आपको क्या करना है कि सिलेबस निकाल लेना है। चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो जैसा कि हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो और अगले हफ्ते आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है और आपने इंग्लिश में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो, तो इंग्लिश का देखो आपको पढ़ाई क्या करना है, स्टडी आपको कैसे करना है, सबसे पहले ये समझो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंग्लिश का यहाँ से हम अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे। और देखो, ये इंग्लिश के अलावा कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपका जो है ज्योग्राफी हो सकता है या जितने भी 12th क्लास में आपको NUES ये प्रोवाइड करती है वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल के लिए के मान के चल रहे हैं कि आपका अगले हफ्ते जो है इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, आपने इंग्लिश में कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, अब आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये चीज़ यहाँ पे आप समझ लो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम देना है अगले हफ्ते या अगले 4 दिन में या 5 दिन में आपको एग्ज़ाम देने वाला है, उस सब्जेक्ट का देखो यहाँ पे आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद ना इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर का है। जैसे कि हम आपको एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रहे हैं कि अगले हफ्ते आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और इंग्लिश का हमने सिलेबस यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको मार्क्स दिखेंगे, ये देखो, ये आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे ये मार्क्स अलॉटमेंट देखेंगे कि इंग्लिश में कितने नंबर का क्या आने वाला है पेपर में। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा नंबर का क्या है, ये फंक्शनल राइटिंग स्किल है 25 नंबर का, ठीक है, और प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है 20 नंबर का, और यहाँ पर आप देखोगे फंक्शनल ग्रामर है 15 नंबर का, और यहाँ पर आप देखोगे कंप्रिहेंसिव अनफेमिलियर पैसेजेस है 20 नंबर का, और ऑप्शनल मॉड्यूल है 20 नंबर का। देखो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो राइटिंग स्किल का जो है ना 25 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन तय है कि आना है। तो सबसे पहले मैं तैयारी क्या करूँगा, यानी कि सबसे पहले मैं स्टडी क्या करूँगा, राइटिंग स्किल की मैं सबसे पहले स्टडी करूँगा क्योंकि 25 नंबर के वो आने हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ पर राइटिंग स्किल की प्रिपरेशन करके जाता हूँ तो ये मान के चलो कि 25 का है, तो मेरे 15 से लेकर 20 के बीच में नंबर आराम से आ जाएंगे अगर मैं अपनी यहाँ पे स्टडी करता हूँ राइटिंग स्किल की। तो आपको पास होने के लिए देखो कम से कम 33% लाना है, ये चीज़ आप भी जानते हो, और 12वीं क्लास में आपको पास होने के लिए 33% आपको थ्योरी में भी लाना है और प्रैक्टिकल में भी अलग से 33% लाना है। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई करना कैसे है, यानी कि आपको स्टडी कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको मार्क्स अलॉटमेंट मिला हुआ है, और जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा नंबर का जो है राइटिंग स्किल है, ठीक है, जैसे कि 25 नंबर का यहाँ पे राइटिंग स्किल दिखा रहा है, उसके बाद आप देखोगे ना तो 20-20 नंबर के सारे हैं। अब मैं कैसे अपनी पढ़ाई करूँगा, तो देखो एक तो ये हो गया कि मैं राइटिंग स्किल की तैयारी करूँगा यहाँ से, यानी कि स्टडी करने बैठूँगा, राइटिंग स्किल में जो भी दिक्कतें आएगी मुझे उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो राइटिंग स्किल पे मैं सबसे पहले काम करूँगा। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो अगर आप इंग्लिश का अगले हफ्ते एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये जो पैसेजेज आता है ना अनफेमिलियर पैसेजेज जो होते हैं इसके ऊपर आप प्रिपरेशन मत करना, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है और एग्ज़ाम सेंटर में भी आपको पहले इसे नहीं लेना है, ठीक है, यानी कि पहले आपको नहीं करना है, स्टार्टिंग में ही होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राइटिंग स्किल काम करूँगा, 25 नंबर का ये हो गया, हम ये मान के चल रहे कि इसमें 15 नंबर एटलीस्ट आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे प्रेस्क्राइब टेस्ट है, टेक्स्ट है, और फंक्शनल ग्रामर है,
और कंप्रिहेंसिव यहाँ पे अनफेयर पैसेजेस है, ऑप्शनल मॉड्यूल है। ऑप्शनल मॉड्यूल में चाहो तो मैं ऑप्शनल मॉड्यूल को अगर मुझे आसान लगता है पढ़ाई करने के बाद तो ऑप्शनल मॉड्यूल की मैं प्रिपरेशन करूँगा, ठीक है, ऑप्शनल मॉड्यूल की यहाँ पर प्रिपरेशन करूँगा। और 15 और मान के चलो कि 20 नंबर का ये है तो 10 नंबर आ जाएंगे, ठीक है, तो 15 10 कितने हो गए, 25 हो गए। अब यहाँ पर एक और कोई ऐसा मतलब यहाँ पे देखूँगा कि देखो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रामर जो होता है ना बहुत हार्ड होता है इंग्लिश में। आप ग्रामर को अगर आप प्रिपरेशन करो बैठोगे तो आपका देखो महीना भी लग जाएगा तो भी आपका ग्रामर तैयार नहीं होगा, तो ग्रामर के पीछे आप मत भागना, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो एक तो आपको यहाँ पर जैसे कि इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो राइटिंग स्किल पे आपको राइटिंग स्किल का स्टडी करना है अभी, ठीक है, और दूसरा आपको ऑप्शनल मॉड्यूल का कर लेना है, ठीक है। एटलीस्ट इन दोनों को देखो यहाँ पे देखोगे तो 45 का हो रहा है, आप ये मान के चलो कि 45 में से 25 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, आप कितना भी बेकार तैयारी करते हो तो भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि फंक्शनल राइटिंग पर मैंने बता दिया है, और फंक्शनल ग्रामर और कंप्रिहेंसिव यहाँ पर आप देखोगे कंप्रिहेंसिव यहाँ पर दिया गया है ये पैसेजेस वाला, और ऑप्शनल मॉड्यूल मैंने अभी बताया कि ऑप्शनल मॉड्यूल और आप लोग को राइटिंग स्किल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ना तो आप चाहो तो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, ग्रामर के पीछे मत जाना, ठीक है। और आपका फंक्शनल ग्रामर है मैंने आपको मना कर दिया है, यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे जो पैसेजेज होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, पैसेजेस जो होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको स्टडी इसी तरीके से करना है, कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है आपको सबसे पहले उसका सिलेबस निकालना है, सिलेबस निकालने के बाद देखना है कि कौन सा चैप्टर कौन सा यहाँ पे यूनिट जो है सबसे ज़्यादा नंबर का है, जो यूनिट सबसे ज़्यादा नंबर का है आपको सबसे पहले उसी को पकड़ना है, स्टडी आपको उसी से करना है। अब देखो यहाँ पर जो है ना मार्क्स यहाँ पे मतलब कि इक्वल है एक तरीके से, 25 का है, 20 का है, 20 का है, 20 का है और 15 का है, लेकिन हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। जब आप बायोलॉजी की तैयारी करने बैठोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा चैप्टर है जिसका 20 नंबर है, कोई ऐसा चैप्टर है जिसका 5 नंबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि स्टडी आप उन्हीं पर मतलब टाइम आपको उसी पर देना है जिसके मार्क्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप देखो ज़्यादा मार्क्स से करने बैठते हो और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उसे स्किप कर देना, ठीक है, उसके ऊपर आपको कोई भी काम नहीं करना है। जैसे कि ये यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, जिसमें कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिस पर आप मतलब पूरा महीना भी दे दोगे तो भी उनके लिए कम है, तो ऐसे चैप्टर से बच के रहना भले ही वो ज़्यादा नंबर के हो, ठीक है। अब आपको मैंने यहाँ पे ये बता दिया है कि स्टडी कैसे करना है, स्टडी करने के बाद आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है सबसे पहले ये देख लो। देखो मैंने आपको सिलेबस वाली जो यहाँ पे लिंक है वो दे रखा है, 10वीं क्लास का भी सिलेबस का लिंक दे रखा है और 12वीं क्लास का भी सिलेबस का लिंक दे रखा है, तो अपना सिलेबस निकाल लेना पहला स्टेप तो ये है, और उसमें आप मार्क करना कि ज़्यादा नंबर के कौन से हैं उसी को आपको स्टडी करना है। अब आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है सबसे पहले आप ये समझ लो। तो देखो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सॉल्व करो, और 10 ईयर आपको कहीं से परचेज़ नहीं करने हैं, 10 ईयर जो है ना आपको मैं यहीं पर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, 10 ईयर जो है मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कर दूँगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो देखो एनयूएस ने ना जो अभी एग्ज़ाम जितने भी करवा रखे हैं पहले उनके ना यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, 10वीं क्लास का भी अवेलेबल है, 12वीं क्लास का भी अवेलेबल है। देखो पहले स्टेप में आपको बताया कि आपको अपना सिलेबस निकाल के देखना है कि उसमें आपको पढ़ना क्या है, कितने नंबर जो ज़्यादा नंबर के होंगे उस पर आपको काम करना है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है। और दूसरा आपका स्टेप जो है ना आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है वो आप देखो। तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ना आपको करना क्या है कि एग्ज़ाम से पहले ये अपने अंदर डाल लो कि कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके ही आना है। जैसे कि आप ही मान के चलो कि मैंने आपको उदाहरण लिया है कि आपका इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो अगले हफ्ते होने वाला है, तो अगले हफ्ते तक यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि 5 क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का सॉल्व कर लूँ। देखो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके जाते हो ना तो आपको एक अलग लेवल का जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पर रहता है एग्ज़ाम सेंटर में। आप स्टडी करके जाते हो, कितनी भी स्टडी कर लो, ठीक है, कितनी भी स्टडी कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर वाला जो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद, वो कॉन्फिडेंस जो है आपको स्टडी करने से नहीं आएगा। तो कोशिश ये करना है कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको अगले हफ्ते एग्ज़ाम देने वाले हो उस सब्जेक्ट का कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता,
ठीक है, ये ना जो मतलब जिनके पास समय बहुत कम होता है, जो हायर लेवल पे मतलब एग्ज़ाम वगैरह देते हैं ना, वो यही चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आपको देखो करना क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर अपना डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे 10वीं क्लास का है, 12वीं क्लास का है, और हमने उदाहरण लिया है कि यहाँ पर हमें इंग्लिश का निकालना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंग्लिश का देखो कितने सारे अवेलेबल है, अप्रैल 2013 का है, अक्टूबर 2014 का है, अप्रैल 2015 का है, अक्टूबर 2015 का है, अप्रैल 2011 का है, अप्रैल 2012 का है। देखो कितने सारे क्वेश्चन पेपर है। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि पांच क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके जाना है, पांच क्वेश्चन पेपर तो आपको यूं ही यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर हम निकालेंगे इंग्लिश का, ठीक है। और देखो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप करके देखना, आप पास नहीं बने उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आके, मैं डेफिनेटली आपको जवाब देने के लिए वहाँ पर रहूँगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पेपर का लुक देख लो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्यों करने के लिए कह रहा हूँ ये समझो। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऑटोमेटिक यहाँ पर आप लोग के रिपीट भी होंगे, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठोगे तो ये जो क्वेश्चन आप करके जाओगे ना, पाँच क्वेश्चन पेपर, इसमें से डेफिनेटली आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना आपके रिपीट होंगे। यानी कि आपका जो अगले एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का, उसमें जो आप क्वेश्चन पेपर करके जाओगे अभी, डेफिनेटली उसमें भी वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक तो फ़ायदा ये है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप देखो क्वेश्चन आपको नहीं भी मिलता है ना, आप मान के चलो कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए और क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन मिलता भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन पेपर यहाँ से सॉल्व करके जाओगे तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट होगा आपके अंदर, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्कोर से पास होकर आओगे, ठीक है। यानी कि डेफिनेटली है कि आप अपने अच्छे से एग्ज़ाम वहाँ पर अटैम्प्ट करके आओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करो। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद, यानी कि आंसर शीट लिखने के बाद, लिखते समय आपको क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर ना जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे कि हम अभी यही मान के चल रहे हैं कि इंग्लिश का आप अगले हफ्ते एग्ज़ाम देने वाले हो, बाकी आप देख लेना कि आपको कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अगले एक हफ्ते में देना है। तो हम ये मान के चलिए, मैंने अभी आपको बताया कि स्टडी कैसे करना है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करना है, अब ये जान लो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद आंसर शीट कैसे लिखनी है। तो देखो एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर को आप रीड कर लेना, क्योंकि 15 मिनट आपको रीड करने के ही मिलते हैं, ठीक है। तो रीड कर लेना हो सके तो। और उसके बाद आपको करना क्या है ना, उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले नीचे आना है, ठीक है, सबसे नीचे आना है, क्योंकि सबसे नीचे जो होते हैं ना आपके क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादा नंबर के होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सब में ही ऐसा हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे 2 नंबर का है, 6 नंबर का है, 4 नंबर का है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं ना, ये देखोगे, ये आप देखोगे इस तरीके से क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, ठीक है। कोई 4 नंबर का है, कोई 6 नंबर का है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हैं, जैसे कि 6 नंबर का हो गया, 5 नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया, ये कैटेगरी बना लो। तो जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठोगे तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हैं आप उसे सबसे पहले करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है ना कि देखो बच्चे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना उनसे छूट जाता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो आपको करना क्या है ना कि आपके जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होंगे ना, ज़्यादा नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि आगे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है कि पीछे आपको क्वेश्चन ज़्यादा नंबर के हैं, आपको ये देखना है कि ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन कहाँ पर है, ठीक है। तो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले करना है और स्पीडली करना है। उसके बाद देखो आप जो है मतलब 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पर आ सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ही आपको 1 नंबर 2 नंबर से काम नहीं चलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को करने में ना आपका पूरा समय चला जाएगा और आपका वहाँ पे डेफिनेटली है कि आपका जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है वो छूटेगा ही छूटेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एक चीज़ और, इंग्लिश का देखो एग्ज़ाम देने जाओगे ना, इंग्लिश का जैसे कि आप मान के चलो कि अगले हफ्ते एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो सभी स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश के पेपर में ध्यान रखा करो कि आपको पैसेजेस कभी भी पहले स्टार्टिंग में शुरू नहीं करना है सॉल्व करना। जैसे कि स्टार्टिंग में ही पैसेज दिया जाता है, काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं, सोचते हैं कि ये तो 20 नंबर का है, आसान भी है, पूछ लूँगा, मतलब देख ढूँढ लूँगा आंसर इसके। लेकिन देखो जो पैसेजेस होते हैं ना उसके आंसर ढूँढने इतना आसान नहीं होता है, लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा इसी में लग जाता है। और मैं आपको बताऊं, एक काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब पैसेजेस सॉल्व करने की वजह से ही फेल होते हैं, क्योंकि पैसेज से यहाँ पे सॉल्व करने बैठोगे तो यहाँ पे कंफर्म है कि आपका 1.5 से 2 घंटा ही लेगा,
ठीक है, क्योंकि आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, आंसर ढूंढ के मैच करोगे, और वो भी गारंटी नहीं है कि आंसर वो आपने जो ढूंढा है वो सही है कि गलत है। तो पैसेजेस कभी भी आपको जो ये अनसीन पैसेज होते हैं इसको कभी भी सॉल्व नहीं करना है स्टार्टिंग में। सबसे स्टार्टिंग में क्या करना है, नीचे जाना है और देखना है 4 नंबर का 6 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, उनको आप सबसे पहले निपटाने की कोशिश करना। दूसरा क्या करना है, तो दूसरा आपको उसके बाद जो है ना पैसेज पे आना है। पहले आपको क्या करना है, जो 6 नंबर के क्वेश्चन है 4 नंबर के क्वेश्चन है उनको कर लेना है, उसके बाद अनसीन पैसेज जो है इसको आपको करना है, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको लास्ट में अटैम्प्ट करना है। क्योंकि देखो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं ना टीचर भी मतलब खुद से होकर बता देता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में ही अपने टीचर से पूछने जाओगे ना कि सर 1 नंबर का क्वेश्चन है प्लीज़ बता दो, तो उसमें आपका समय तो ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, और ये भी चांस है कि वो टीचर जो है आपको ना बताए, ठीक है, ना बताए। और बताएंगे भी तो हो सकता है कि किसी से अगर आप पूछते हो ग्रुप में तो वो भी आपको गलत ही बताएंगे। तो बेहतर ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, सबसे जो मतलब ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ पैसेज को छोड़ के सबसे पहले उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब ये देख लेना कि आपको ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, नहीं आते तो भी वहाँ पे वेस्ट नहीं करना है टाइम, जो आते हैं ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं सबसे पहले उनको करना है, कहने का मतलब ये है। तो देखो ये चीज़ अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, इस चीज़ को ध्यान रखना।